फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। जब मैं भारतीय संविधान की विशेषता बताई थी तो उसमें आंतरिक व बाह्य स्रोत की थोड़ी सी चर्चा की थी। तो भारतीय संविधान एक विशाल संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। कहने को तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन 450 से भी अधिक अनुच्छेद हैं जो ए बी सी ऐसे करके उसके अंदर डाले गए हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो भी प्राविधान दिया गया है वो कहाँ कहाँ से आए हैं तथा किस किस देश से लिए गए हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान में के स्रोत कौन से हैं। तो सबसे पहला है भारतीय सरकार अधिनियम। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो है उससे सबसे अधिक जो है आर्टिकल उसी से लिए गए हैं। मतलब 250, ठीक है ना, 250 प्लस से अधिक जो है प्रावधान वहीं से हमारे यहाँ पे आया है। कौन कौन से है उसमें देखिए, जैसे केंद्र व राज्य में शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर लोक सेवा आयोग, ये सब जो प्रावधान हमारे संविधान में है वो भारतीय राज्य सरकार अधिनियम 1935 से आए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अमरीकी संविधान। अमरीकी संविधान से भारतीय संविधान में क्या आया? तो मूल अधिकार। मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से है, जिसका वर्णन आर्टिकल 12-35 के बीच किया गया है। मूल अधिकार ये अमरीकी संविधान से आया है। न्यायिक पुनर्विलोकन या संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब अमरीकी संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश के संविधान से संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश संविधान से आई है, ठीक है। अब कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से क्या आया है? भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, शक्ति का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन, और जो शक्तियां बच जाएंगी वो शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। ये प्रावधान कहां से आया? कनाडा के संविधान से। अगला है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी चीज आई है? उसमें नीति निदेशक तत्व। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अधिक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नीति निदेशक तत्व जो है वो कहाँ के संविधान से आया है, वो है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, फिर आपातकाल उपबंध, फिर राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वो भी आयरलैंड के ही संविधान से आया है। नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, आपात उपबंध, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है सिर्फ उसके बारे में ही मैं लिखी हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्राविधान हैं जो आए हैं, क्योंकि ये तो बहुत विशाल संविधान है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो सभी को लिखने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में ही मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं के देश से, देखिए देखते हैं कौन कौन आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन एवं संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का किस प्रकार से विभाजन होगा तथा केंद्र और राज्य के बीच में है कैसे संबंध रहेंगे, ये आया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ ही साथ में प्रस्तावना की भाषा, जब मैं प्रस्तावना आपको बता रही थी तो मैं बता भी दी थी कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो तो अमरीका की देन है ना, मतलब अमरीका से लिया गया है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, कही थी ना वहां की भाषा। तो प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। फिर समवर्ती सूची, साथ ही साथ में संयुक्त अधिवेशन, मतलब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वो स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो इसका प्रावधान कहाँ से आया है? इसका प्रावधान आया है कंगारुओं के देश ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका से क्या आया है, दक्षिण अफ्रीका से है संशोधन प्रक्रिया, मतलब हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है ना, किस प्रकार से संविधान को संशोधित किया जा सकता है, किस प्रकार से नए आर्टिकल उसमें ऐड किए जा सकते हैं, किस प्रकार से आर्टिकल को निकाले जा सकते हैं, तो ये सभी बातें दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये सभी बातें आई है संशोधन प्रक्रिया के बारे में। फिर जर्मनी, जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में कौन से तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल में राष्ट्रपति के मूल अधिकार से संबंधित, मतलब आपातकाल में राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने अधिकार हैं उसके बारे में जो प्रक्रिया है, उसके जो अधिकार हैं वो सभी जर्मनी के सिद्धांत से आए हैं। तो हिटलर के नाम से ही जान जाइए कि हिटलर क्या था, बिल्कुल तानाशाह था, सबका छीन लेने वाला था, बिल्कुल तानाशाह शासक था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना सभी के मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं कुछ को छोड़ करके, तो ये प्रक्रिया कहाँ से आई है, ये प्रक्रिया आई है जर्मनी के संविधान से। अगला है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ मूल कर्तव्य, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है ना, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्य कहाँ से आया, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमारे संविधान में जोड़ा गया 1976 में। मतलब मूल कर्तव्य जो है वो हमारे जो संविधान के स्रोत हैं या फिर जो हमारा संविधान का जो मूल रूप है उसमें नहीं है, वो बाद में ऐड किया गया है 1976 में। तो मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लाया गया है। अगला है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में क्या आया, मतलब फ्रांस के संविधान से समानता स्वतंत्रता बंधुत्व एवं गणतंत्र, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व एवं गणतंत्र, ये जो बातें हैं इसका स्रोत फ्रांस का संविधान, हमारे संविधान में फ्रांस के संविधान के द्वारा आया हुआ है। फ्रेंड्स जब हमारे देश में संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो संविधान सभा थी उसमें जो विद्वान लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने पूरे देश में संविधान में जो जो उसकी अच्छाइयां हैं उन सभी अच्छाइयों को लेकर के अपने संविधान को एक बहुत ही खूबसूरत रूप दिया, सभी की अच्छाइयों को ग्रहण किया ताकि हमारा संविधान एक सर्वोच्च संविधान बन सके तथा यहाँ के लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी संविधान की छोटी छोटी जानकारी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल सामान्य जानने के लिए, परीक्षा के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, तो वो भी उनसे अवगत हो सके। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।